साल का अंत आते आते आई सब्जियों के दाम में गिरावट। जब से लॉकडाउन लगा तब से जैसे महंगाई भी साथ में आसमान पर चली गई थी। हाल ये था कि आम आदमी के लिए आलू प्याज खाना भी दूभर था, लेकिन साल का अंत आते आते सब्जियों के दाम में गिरावट देखी जा रही है। आगे भी सब्जियां और सस्ती होने का अनुमान है। कम हुए आलू प्याज के दाम। किसान आंदोलन के कारण कई रास्ते ब्लॉक है, फिर भी कल तक जिन आलू के दाम थे 40 से 50 रुपए, आज इनकी कीमत 20 रुपए किलो हो गई। इस समय 20 से 30 रुपए की गिरावट देखी जा रही है। फिलहाल इस समय बाजार में मटर, टमाटर, प्याज और आलू के साथ साथ कुछ फलों के भी दाम कम हुए हैं। परवल और भिंडी को छोड़कर बाकी की सब्जियों के भी दाम कुछ गिरे हैं। आगे भी बाकी सब्जियों के दाम कम होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। बकरी पालन पर जल्द करें आवेदन, 60% तक सब्सिडी। दरअसल बिहार सरकार ने बिहार के बांका जिले में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बकरी एवं भेड़ विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत समेकित बकरी भेड़ पालने वाले सामान्य वर्ग में किसानों को 50% एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को 60% की सब्सिडी दी जाएगी। यदि आप भी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द आवेदन करें। आवेदन की सारी प्रक्रिया आप इस लिंक पर जाकर जान सकते हैं। कहां कैसे आवेदन करना है यह अच्छे से समझाया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। बकरी पालन पर सब्सिडी पाने के लिए कहां से करें आवेदन, आप इस लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप बकरी पालना चाहते हैं तो इस योजना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें और विजिट कर पाए पूरी जानकारी के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। लेबर कार्ड बनाने के लिए दी जा रही है फोन सुविधा। जी हाँ, अब आप घर बैठे महिला पुरुष लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए मजदूरों को अपने फोन से 1076 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। इसके बाद मजदूर सरकार की डोर स्टेप सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। आपको मात्र एक हफ्ते के भीतर कार्ड घर पर भेज दिया जाएगा। मजदूर ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन। लेबर कार्ड के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए मजदूरों को सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर कॉल करना है। इसके बाद दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी मजदूर के घर आएगा। फिर अधिकारी मजदूर के सभी दस्तावेजों की कॉपी लेगा, साथ ही उसका डेटा ऑनलाइन फॉर्म भी भरेगा। इस सभी प्रक्रिया को पूरा होने के बाद फॉर्म को स्वीकृति दी जाएगी। इसके करीब एक हफ्ते के अंदर ही श्रमिक अपना लेबर कार्ड इंटरनेट के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही लेबर कार्ड की हार्ड कॉपी घर पर भेजी जाएगी। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।